हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करा रही हूं, और जैसा कि फिजिकल एजुकेशन बीपीएससी टीआरई 3 में बहुत कम टाइम भी दिया है, बहुत कम पद भी दिया है, तो इसके लेकर के आप चिंता में मत रहिए, केवल अपना तैयारी कीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 में अगर अच्छा सीट आएगा तो आपका चांस 100% बनेगा। एंड मध्य प्रदेश का भी एग्जाम अगस्त में होगा, जो भी एमपी टेट क्वालिफाई होंगे उनके लिए सुनहरा अवसर आने वाला है। तो डेली बेसिस पर आप तैयारी करते रहिए, कुछ न कुछ आपको अवश्य सफलता मिलेगी, और इसमें जितना सीट है उतना पर क्वालिफाई करने की, सीट लेने की कोशिश कीजिए। मिलता है तो भी अच्छा, नहीं मिलता है तो भी अच्छा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा अग्रसर रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही आपको परफेक्ट बना सकता है, सफलता तो ले आ सकता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही गलती सुधारेंगे, उतना ही गलतियों का पता चलेगा। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि मैंने बीपीएससी टीआरई 2 में 79-80 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया है, वो सभी वीडियोज आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, इसलिए मैं पूरा नहीं करा सकती, जितना मेरे से हो सकेगा उतना अवश्य पूरा कराऊंगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, एथलीट पद की उत्पत्ति कहाँ हुई? एथलीट पद की उत्पत्ति दोस्तों ग्रीस यानी कि यूनान में हुआ। एथलीट जो है सबसे प्राचीन खेल माना जाता है, मानव की प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित है। एथलीट यूनानी भाषा यानी ग्रीस भाषा के एथलोन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता। एथलीट को खेलों की रानी भी कहा जाता है। अमेरिका में एथलोन से तात्पर्य होता है सभी खेल क्रियाओं से। एंड दोस्तों, 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एथलेटिक्स, जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को एथलेटिक्स कहा जाने लगा। एथलेटिक्स को खेलों की रानी बोला जाता है, जबकि खेलों की माता यानी मदर ऑफ स्पोर्ट्स जिम्नास्टिक को बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट पद का अर्थ क्या होता है? अभी जस्ट में बताई हूँ, एथलीट पद का अर्थ होता है प्रतियोगिता। क्या होता है? प्रतियोगिता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीसवासी किस पर विशेष बल देते थे? तो ग्रीसवासी जो है वो व्यक्तिवाद पर विशेष बल देते थे। नेक्स्ट है, ग्रीस में अपोलो देवता के पवित्र स्थल पर कौन सा आदर्श वाक्य लिखा हुआ है? तो दोस्तों, ग्रीस में अपोलो देवता के पवित्र स्थल पर मेडीन ऑगन आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि पूर्व एथेंस काल में अखिल यौवन यानी पौन हेलनिक समारोह किया जाता था, राष्ट्रीय खेल समारोह, जिसमें चार खेल हुआ करता था, ओलंपिक, पीथियन, स्थिमियन, नीमियन। ओलंपिक खेल प्रत्येक चार वर्षों के बाद और पीथियन खेल ओलंपिक आयोजन के बीच तीसरे वर्ष में, स्थिमियन खेल ओलंपिक के बीच दूसरे वर्ष में, एंड नीमियन खेल दो वर्षों के अंतराल पर होता था। ओलंपिक का आयोजन ओलंपस पर्वत पर, पीथियन का आयोजन डेल्फी पर्वत के मैदान पर, स्थिमियन का आयोजन कोरिंथ नामक स्थान पर, और नीमियन खेल का आयोजन आर्गिलीज नामक स्थान पर होता था। ओलंपिक खेल जीएस देवता यानी आकाश देवता की श्रद्धांजलि के लिए होता था। पीथियन खेल अपोलो यानी सूर्य देवता की श्रद्धांजलि के लिए होता था। स्थिमियन खेल समुद्र देवता यानी पोसिडियन के सम्मान के लिए होता था, और निमियन खेल जीएस देवता के सम्मान में
होता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में पोसिडन देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेला गया? तो पोसिडन देवता यानी कि समुद्र देवता एक किसके सम्मान में खेला जाता था, कौन सा खेल पोसिडन यानी समुद्र देवता के सम्मान में खेला जाता था? तो इस्थीमियन खेल, ठीक है। जैसे कि ओलंपिस जो है जीएस देवता यानी अकाश देवता के सम्मान में, पिथियन अपोलो देवता यानी सूर्य देवता के सम्मान में, इस्थीमियन समुद्र देवता यानी पोसिडन के सम्मान में, निमियन जीएस देवता के सम्मान में खेला जाता था। नेक्स्ट है, ज्यूस देवता यानी जीएस देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेले गए थे? यह क्वेश्चन दोस्तों आपने जितना बार एग्जाम दिया होगा उतना बार पूछा गया है। तो जीएस देवता के सम्मान में दो खेल खेला जाता था, पहले ओलंपिक और निमियन। तो ओलंपिक ऑप्शन रहेगा तो ओलंपिक राइट होगा, निमियन ऑप्शन रहेगा तो निमियन आपका राइट होगा, यहाँ पे निमियन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अपोलो देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेले जाते थे? अपोलो यानी कि सूर्य देवता के श्रद्धांजलि में पिथियन खेल खेला जाता था। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया? तो आप सबको पता है थियोडोसियस ने 394 ईसा पूर्व में ईस्वी में ओलंपिक खेलों को, प्राचीन ओलंपिक खेलों को प्रतिबंध लगा दिया था। 776 से 394 ईस्वी तक प्राचीन ओलंपिक खेल चला था, जिसको रोम के सम्राट ने थियोडोसियस ने इस पर 394 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद दोबारा से स्टार्ट बैरन पीरडी कुबर्डिन ने आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत किया 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने के लिए बैरन पीरडी कुबर्डिन ने 23 जून 1894 में पेरिस के सर्वो नामक स्थान पर आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है, जिसके तहत प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में 1896 ईस्वी में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया। इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता यानी कि पितामह बैरन पीरडी कुबर्डिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाद दौड़ यानी पद दौड़ के लिए ग्रीष्मवासियों को, पाद दौड़ के लिए ग्रीष्मवासियों द्वारा किस प्रकार के दौड़ पथ बनाए जाते थे? तो उस टाइम सीधा पथ बनाया जाता था। नेक्स्ट है, पेंटाथलान में पेंटा और एथलान के क्या अर्थ होते हैं? तो दोस्तों जो कंबाइंड इवेंट्स होते हैं उसमें डेकाथलान, हेप्टाथलान, पेंटाथलान एंड ट्राइथलान आता है, जिसे पेंटाथलान महिला पुरुष दोनों के लिए होता है, जिसमें 5 इवेंट्स होते हैं, जिसमें पेंटा का अर्थ होता है 5 और एथलॉन का अर्थ होता है पत्तियां, यानी कि 5 और पत्ते, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जैसा कि कंबाइंड इवेंट्स में डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन, ट्राइथलॉन होता है, और इन 5 के बारे में, 4 के बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और कंबाइंड इवेंट को देखिए, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है जो आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। जबकि पेंटाथलॉन में दोस्तों 5 इवेंट्स होते हैं, जिसके लिए मैंने ट्रिक बताया हुआ है आपको कि तलवार ने तैराकी फ्री स्टाइल में घोड़ा पे चढ़कर निशाना लगाते हुए क्रॉस कंट्री दौड़ा। तलवार ने यानी कि तलवारबाजी इसमें शामिल है, तैराकी फ्री स्टाइल, हॉर्स जंपिंग, निशानेबाजी एंड क्रॉस कंट्री दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल की थी? तो प्लेटो दोस्तों जो आदर्शवाद आइडियोलॉजी के जन्मदाता हैं, वह मल्ल युद्ध में दक्षता हासिल किए थे। नेक्स्ट है,
लाइजियम का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लाइजियम का संस्थापक अरस्तु यानी कि अरस्तु थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक शिक्षा के सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा निर्धारित किए गए? तो दोस्तों सार्वजनिक शिक्षा के सिद्धांत पहली बार निर्धारित किया गया गैलेन के द्वारा। नेक्स्ट है, पैलेस्ट्रा और डिडास के नियम प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों यह दोनों प्रसिद्ध थे एथेंस में, वो भी पूर्व एथेंस में। पूर्व एथेंस में पैलेस्ट्रा जो है एक व्यायामशाला को कहा जाता था जिसमें कुश्ती, मुक्केबाजी व जिम्नास्टिक दिखाई जाती थी, और डिडास के नियम जो होता था वह संगीत संबंधी विद्यालय को डिडास के नियम कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन रोम में कोलेजियम किस के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों यह एक थर्म फार बाथ, ऐसे मैंने बताया था कि कीचड़ स्नान यानी मड बाथ काफ़ी प्रचलित था पूर्व एथेंस काल में, जबकि थर्म फार बाथ जिसको कोलेजियम स्नान गृह व्यायाम के लिए प्रयोग किया जाता था वह उत्तरार्ध रोम काल में प्रसिद्ध था। तो यह कोलेजियम क्यों प्रसिद्ध था? तो यह लोगों के मनोरंजन के लिए किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति या पशु से होने वाले मल्ल युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक छल्लों के रंगों के सही संयोग का द्योतक है? तो जैसे कि आपको पता है जो ओलंपिक झंडा होता है सफेद कलर का बिना किनारे वाला दुधिया बना होता है जिसमें ऊपर बीच में पांच छल्ले आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि डब्लू का आकार बनाते हैं, ठीक है। तो पांच छल्ले डब्लू का आकार बनाते हैं, ऊपर तीन होते हैं एंड नीचे दो होते हैं। ये पांचों छल्ले दोस्तों पांच कलर के होते हैं जो नीला, पीला, काला, हरा और लाल होता है। जो नीला होता है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक होता है, यहाँ पे आंसर नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक एंड लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक होता है। यानी पांचों छल्ले जो है पांच महाद्वीपों यानी पांच महादेशों के प्रतीक हैं जो आपसी सद्भावना यानी दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस वर्ष में ओलंपिक खेल विश्व युद्ध के कारण नहीं आयोजित किए गए? तो तीन ऐसा ओलंपिक खेल था 1916, 1940 एंड 1944 जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं आयोजित किए गए। तो दोस्तों यहाँ पे 1940 राइट हो जाएगा। तो 1916, 40, 44 याद रखिएगा। ये तीन ऐसे ओलंपिक गेम थे जो विश्व युद्ध के कारण संपन्न नहीं हुए थे। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक खेल कूद में ओलंपिक ध्वज का उपयोग पहली बार किया गया? तो दोस्तों 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में सबसे पहले ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज को बनाया था 1913 में बैरन फेरेडी कोबर्डिन ने, एंड इसको सबसे पहले फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। और पांच छल्लों को ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थायी रूप से मान्यता मिली थी 1924 पेरिस फ्रांस में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों भारत में ओलंपिक खेलों का पितामह या ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है पंडित, सॉरी दोस्तों, सरदुराबाजी टाटा को। किसको? सरदुराबाजी टाटा को। इन्होंने ही IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में कराया। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या पुरस्कार दिए जाते थे? तो आपको पता है एक काऊ यानी जैतून, जंगली जैतून के पत्ते के ताज को दिया जाता था पुरस्कार के रूप में।
नेक्स्ट है 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान के एथेंस के ओलंपिया मैदान में ग्रीस के किंग जॉर्ज प्रथम ने किया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया? तो दोस्तों, महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया 1900 पेरिस फ्रांस में। दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चंस ये भी पूछा गया था कि किस ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया BPSC TI 2 में, तो कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे, बट 1900 पेरिस फ्रांस ऑप्शन नहीं दिया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, आपको फिक्स याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई होगा ही। नो दोस्तों, यदि आपको याद है कि 1900 पेरिस फ्रांस में महिलाओं को प्रथम बार भाग लिया गया था, तो वहाँ पे अगर 1900 पेरिस फ्रांस ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे 5 ऑप्शन तो दिया ही रहता है कि इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। यदि जो राइट है वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कूदों में आधुनिक पेंटाथलॉन में इवेंट्स क्या है, यानी कि जो आधुनिक पेंटाथलॉन है उसमें कौन कौन से इवेंट्स शामिल हैं? तो मैं जस्ट बताई थी, उसमें तलवारबाजी, तैराकी फ्री स्टाइल, हॉर्स जंपिंग, निशानेबाजी एंड क्रॉस कंट्री शामिल है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा अश्वारोहण, यानी कि हॉर्स जंपिंग, तलवारबाजी, शूटिंग एंड तैराकी फ्री स्टाइल और गांव की ओर दौड़ यानी क्रॉस कंट्री दौड़, ये 5 इवेंट्स शामिल हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कूदों में प्रत्येक इवेंट्स में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति है? तो दोस्तों, प्रत्येक इवेंट्स में ओलंपिक खेलों में 3 प्रविष्टियों यानी कि खिलाड़ियों को भेज सकता है। यहाँ पे आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया? तो अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1906 में किया गया। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्रवंचकों को क्या सजा दी जाती थी? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्रवंचकों को हंटरों से पीटा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में किस रोमन राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर पारितोषिक जीते थे? तो उसका नाम था किंग नीरो। एंड नेक्स्ट है, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में विजेताओं को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? तो 1904 में दोस्तों सबसे पहले स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था, और सबसे पहले ठोस स्वर्ण पदक 1908 लंदन में प्रदान किया गया था। यहाँ पे 1908 नहीं, 1904 राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक बैरन पियर डी कुबर्टिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, बैरन पियर डी कुबर्टिन की मृत्यु जो है 1937 में हो गया था। नेक्स्ट है, 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों, 14 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई? तो दोस्तों, 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में सबसे पहले ओलंपिक शपथ दिलाया गया था। जैसा कि दोस्तों, ओलंपिक झंडा सबसे पहली बार कब फहराया गया था? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। और ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार शपथ कब दिलाई गई थी? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। याद रखिएगा, दोनों 1920 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च स्थल रहा है? तो दोस्तों, सबसे उच्च स्थल रहा है 1968 में, जो मैक्सिको है। ठीक है,
मैक्सिको ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च स्थल रहा है, जिसमें 1968 मैक्सिको सिटी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, ओलंपिक आदर्श वाक्य में सीटीएस पद क्या इंगित करता है? तो दोस्तों, ओलंपिक आदर्श वाक्य की रचना हेनरी डिडॉन ने 1881 फ्रांस के शिक्षाविद थे, इन्होंने किया है। और ओलंपिक छल्लों के नीचे ओलंपिक मोटो को दर्शाया गया है, जिसमें अब एक पहले सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस थे, बट एक चौथा जुड़ गया है कम्युनिटर। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था पीपीएससी टीआरई 2 में। तो अब आदर्श वाक्य में मोटो में चार शब्द हैं, पहले तीन ही था, चार शब्द हैं सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस कम्युनिटर, जिसका अर्थ होता है फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ, यानी अधिक तेज दौड़ना, अधिक ऊंचा कूदना, अधिक मजबूत होना, एक साथ चलना। यहाँ पे सीटीएस का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? सीटीएस यानी कि फास्टर, यानी और तेज दौड़ना, तो द्रुततर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रुततर यानी कि और तेज दौड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जरूर आप सफल होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।